नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अभी मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका है और गर्मियों के प्लांट्स हमें लगाने शुरू कर देने चाहिए। बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अभी 20-25 दिन के अंदर ही मैंने कुछ कटिंग्स लगाई हैं जिनके अलग अलग वीडियोज़ भी मैंने चैनल पर डाले हैं। आज मैं उन सभी का रिज़ल्ट आपको दिखाऊँगी कि कैसा उनका रिज़ल्ट है। और अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लगभग एक महीना ही टोटल हुआ होगा अगर शुरुआत वाली कटिंग से मैं लगाऊं तो देखते हैं कि हमारी जो सारी कटिंग्स हैं वो अभी कैसी हैं। और ये सभी प्लांट्स आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं, अभी लगा लीजिए। ये बहुत ही बढ़िया टाइम है, अभी थोड़ी थोड़ी सी ठंड गर्मी ऐसा मौसम है तो इसमें बहुत अच्छे से कटिंग चल जाएगी और फिर पूरी गर्मी आपका गार्डन बिल्कुल हरा भरा रहेगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्लांट्स कटिंग से हम अभी लगा सकते हैं। सबसे पहला प्लांट है टर्टल वाइन, जिसको मैंने 3-4 बास्केट्स में लगाया था। जो मेरी पुरानी वाली थी वो हल्की हल्की सी सूख गई थी, तो उसको पूरी को कट करके मैंने 4 बास्केट इसकी बनाई थी, जो देखिए अभी चलना भी स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल इतनी छोटी छोटी सी कटिंग्स मैंने इनकी लगाई थी, आप वीडियो देख सकते हैं चैनल पर। मैं लिंक देखूंगी सबके, डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वरना आप चैनल पर जाकर भी वीडियोस अलग अलग देख सकते हैं इन सभी की, इनको कैसे लगाना है। तो देख सकते हैं आप, अभी इसको लगभग 20 दिन हुए होंगे, इतने में ही देखिए इसकी कटिंग नीचे की तरफ लटकना स्टार्ट हो गई हैं, बाहर निकलने लगी हैं सभी। तो बहुत ही अच्छे से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और जो कई बास्केट्स हैं देखिए, उनमें भी सब में ग्रोथ स्टार्ट हो गई, बाहर की तरफ दिखाई दे रही है निकलती हुई कि चलने लगी हमारी कटिंग। तो सभी मेरी अच्छे से चलने लगी है। ये धूप में ऊपर टंग रही है तो सूख रही है अभी, अभी मैं इसको पानी दूंगी। वैसे अगर आप इसको थोड़ा छाया में रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से चलेगी। नीचे वाला प्लांट मेरा थोड़ा छाया में रहता है और ये धूप में है, लेकिन ये भी चलना स्टार्ट हो गई है। और एक बास्केट उधर टंगी हुई है, उसमें भी बाहर की तरफ मुझे कटिंग्स दिख रही है निकलती हुई, तो वो भी अच्छे से चलना स्टार्ट हो गई है। तो मैंने एक बास्केट से ही 3 बास्केट्स बनाई थी और एक मैंने गमले में लगाई है, तो वो भी अच्छे से चल रही है। तो काफ़ी सारे प्लांट्स हम अपने एक पौधे से ही बना सकते हैं। अभी ये 2-3 महीने में ही काफ़ी लंबी लटकनी शुरू हो जाएंगी। मनी प्लांट आप अभी आराम से लगा सकते हैं, ये कटिंग मैंने अभी 15 दिन पहले लगाई थी और बहुत ही आराम से ये स्टेम आपकी चल जाएगी। आप कितनी भी इसकी बास्केट बना लीजिए, गमलों में लगा लीजिए, मैंने इसमें 4-5 कटिंग लगा रखी है और अभी इनकी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है कि ये चलना शुरू हो गई है। तो मनी प्लांट की कटिंग आप लगाइए, मेरी काफ़ी सारी लग रही है। देखिए गमले में मैंने ऐसी रख दी थी, वो भी चल रही है टर्टल वाइन। तो इसके अलावा तीसरा जो प्लांट है जो मैंने कटिंग से लगाया था वो है वंडरिंग जू। देखिए ये कटिंग तो सबसे पहले लगाई थी तो बहुत ही अच्छी ग्रो हो गई है, कितनी लंबी लंबी हो गई हैं। छोटी छोटी सी लगाई थी, एक बास्केट से ही मैंने 3 गमले और एक बास्केट तैयार की थी। तो इनको निकाल के अभी मैं बास्केट में लगाऊंगी ताकि 2-3 बास्केट मेरी तैयार हो जाएंगी इससे। तो बहुत ही आसानी से इसको कटिंग से आप लगा सकते हैं और इसका भी वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगा। ये सारे प्लांट गर्मियों में बहुत अच्छे से चलते हैं और 2-2.5 महीने में ही काफ़ी लंबे लंबे लटक जाते हैं। बहुत ही सुंदर हैंगिंग प्लांट है और पूरी गर्मी कलरफुल बना के रखता है गार्डन को। तो ये प्लांट आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं, बिल्कुल आराम से चल जाएगा। देखिए बास्केट में भी लगाया था, बास्केट में भी कटिंग्स कितनी लंबी लंबी हो गई हैं। तो बहुत ही जल्दी से चलने वाले ये प्लांट हैं। एक ये गमला है, देखिए इसमें भी काफ़ी लंबी हो रही है। तो आप इसकी कटिंग अभी लगाइए खूब सारी और अपने सुंदर सुंदर प्लांट्स बनाइए, पक्का इसकी कटिंग चल जाएगी। अगला प्लांट है पिंक वाली टर्टल वाइन, इसको आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। इसको मैंने काफ़ी सारे गमलों में लगाया है, छोटे छोटे कंटेनर में भी ये आराम से चल जाती है। इसमें हल्का सा पिंक कलर होता है तो बहुत ही सुंदर और कलरफुल लगती है ये, बिल्कुल टर्टल वाइन की तरह ही एक हैंगिंग प्लांट है। बहुत सुंदर इसके कलर्स होते हैं। तो देखिए बास्केट में भी कितनी बड़ी हो गई है, बहुत ही जल्दी से ये प्लांट चलने वाले हैं। एक हफ्ते में ही ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं जब इनको कटिंग से लगाते हैं, तो फटाफट से चलने वाली कटिंग्स हैं सभी। तो अगर आप लगाएंगे तो 10 दिन में ही आप देखेंगे कि आपके नए पौधे तैयार हो गए। ये मैंने देखी कुछ पर्सलिन की कटिंग्स जो लगाई थी वो सभी भी बहुत अच्छे से चल रही हैं और इन पर फूल भी आने लग गए हैं। तो पर्सलिन की कटिंग तो आप अभी ज़रूर लगाइए, आपको कहीं भी इसका कोई भी कलर मिलता है तो आप उसकी कटिंग लाकर अपने गार्डन में लगा लीजिए, तो आराम से ये चल जाएगा।
और इसकी काफ़ी सारी बास्केट आप बना सकते हैं। अगला पौधा है टेंगल हार्ट, जिसकी कटिंग मैंने लगाई है और आप भी अभी लगा लीजिए। बहुत ही सुंदर हैंगिंग प्लांट है। देखिए, एक ही पौधे से मैंने एक ये बास्केट तैयार कर ली और यहाँ पर एक ये देखिए आप देख सकते हैं, इसी के पास एक और टंगी हुई है तो और भी दूसरी बालकनी में भी मैंने इसकी काफ़ी सारी कटिंग लगा रखी हैं। और देखिए ये वंडरिंग जू की जो दूसरी वाली वैरायटी की छोटी छोटी सी कुछ कटिंग्स लगाई थी, ये भी चलना स्टार्ट हो गई है। इसमें मैंने यहाँ से तोड़ के अभी कल ही यहाँ पे लगाई है, तो जब ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है तो उसमें से ही आप तोड़ के उसी में दोबारा लगा दीजिए, तो बास्केट भी फुल हो जाएगी और प्लांट भी बहुत अच्छे से चलेगा। ये गमले में लगाई हुई है पिंक वाली टर्टल वाइन, देखिए ये भी सारी चलना स्टार्ट हो गई। तो जब जितने भी प्लांट मैं आपको बता रही हूँ, ये आप बहुत ही आराम से कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत जल्दी इनकी कटिंग चल जाती है। फिलीडेंड्रोन का प्लांट है जिसकी अभी कुछ दिन पहले कटिंग लगाई थी, देखिए साइड से दो पत्तियां इसमें निकल रही हैं। तो ये ऐसे पौधे हैं जो बहुत ही जल्दी चलते हैं कटिंग से। मनी प्लांट की कुछ और कटिंग मैंने लगा रखी है और रियो प्लांट आप अभी लगा सकते हैं कटिंग से, बहुत ही सुंदर ये प्लांट है। मेरे पास काफ़ी घना एक प्लांट है, उसी से मैंने कई प्लांट अलग किए हैं और नया हमारा प्लांट तैयार हो जाता है। तो ये आप इसकी कटिंग लगा लीजिए, बहुत आराम से चल जाएगी। ये सीरम प्लांट है, इसकी भी कटिंग मैंने लगाई है, बहुत ही आराम से ये चल जाता है, बहुत सुंदर लगता है हैंगिंग बास्केट में और किसी भी छोटे से छोटे कंटेनर में भी आप लगा सकते हैं। ये है स्वीट पोटैटो वाइन, जिसकी कटिंग बहुत आराम से चल जाती है और ये कटिंग मैं नीचे जो घूमने जाती हूँ तो नीचे से लाई थी, मुझे दिख गई तो मैंने लगाई, देखिए चलना स्टार्ट हो गई है। ये ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो वाइन है जो बहुत सुंदर लगती है हैंगिंग बास्केट में, तो इसकी कटिंग भी आप अभी लगा सकते हैं। और ये है वो वाला प्लांट जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, सीडम प्लांट, जिसको मैंने छोटे से उस एलिफेंट वाले जो कंटेनर में लगा रखा है कटिंग से। अगला प्लांट है पर्पल हार्ट प्लांट, जिसको कटिंग से आप लगा सकते हैं, बहुत ही आराम से इसकी कटिंग चल जाती है। इस पौधे की कटिंग मैं नीचे से लाई थी, जिससे मेरी एक बास्केट बन गई, वो मैं पिछली साल लाई थी उसी बास्केट से मैंने ये कटिंग लगाई है। तो ये बिल्कुल फ्री का पौधा है और यहाँ पर भी मैंने रियो प्लांट की कटिंग लगा रखी है और ये सभी कटिंग से बनाए हुए पौधे हैं। और देखिए आप अभी कोलियस की कटिंग लगा सकते हैं, ये तो मैंने अभी एक हफ्ते ही पहले कोलियस की वीडियो डाली है तो लगाई थी और सारी की सारी कटिंग हमारी चल गई है। आप देख सकते हैं एक भी कटिंग अभी तक मुरझाई नहीं है, बिल्कुल सही है और छोटी छोटी सी पत्तियाँ भी इनमें आ रही हैं। तो काफ़ी सारे कोलियस के प्लांट अभी मेरे तैयार हो जाएंगे। तो कोलियस तो बहुत आराम से कटिंग से चल जाता है, इसकी आप अभी कटिंग्स लगा सकते हैं और अपने फ्री में कोलियस के प्लांट तैयार कर सकते हैं। देखिए दूसरा गमला है, इसमें भी बहुत सारी कटिंग लगी हुई है, तो सारी ही कटिंग बिल्कुल फ्रेश है और इनमें छोटी छोटी सी पत्तियाँ मुझे दिख रही हैं। तो इसकी जो जड़ें हैं वो एक हफ्ते के अंदर बन जाती हैं कोलियस की। तो ये प्लांट आप कटिंग से ज़रूर लगाइए, बहुत आराम से चलेगा अभी। अगला पौधा है जेट प्लांट, जिसकी कटिंग आप अभी लगा सकते हैं। जेट प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है गर्मियों में और इसकी कटिंग भी बहुत जल्दी चल जाती है, छोटी से छोटी कटिंग इसकी आप लगा सकते हैं। देखिए ये छोटा सा कंटेनर है जिसमें मैंने बची कुची जो पिंक वाली टर्टल वाइन थी ना वो लगा दी थी, इसमें कितनी लंबी लंबी हो गई है। तो बहुत ही इतनी जल्दी ये प्लांट कटिंग से चलते हैं, तो मन करता है कि क्यों ना ऐसे प्लांट्स हम फ्री में काफ़ी सारे बना लें। तो आप भी ये सभी प्लांट्स कटिंग से लगाइए और ढेर सारे अपने प्लांट्स बनाइए। अभी वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।